नीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है, वही दुश्मन बनता है जो सबसे करीब होता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले आरजेडी को बिहार में बड़ा झटका लगा और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है, जरूरत पड़े तो दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। अगर किसी राज्य में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलने लगे और जब बरसों के दुश्मन दोस्ती के सूत्र में बंधने लगे तो समझ जाइए कि वहां आने वाले समय में चुनाव की सुखभुगाहट है। बिहार देश का वो राज्य जहां बच्चा बच्चा राजनीति को उम्दा तरीके से समझता है, आज उसी बिहार में आरजेडी को बहुत ही तेजी से झटका लगा। बिहार में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं अगले महीने विधान परिषद की 9 सीटों के लिए भी चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से ठीक पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी को बड़ा झटका लगा। आरजेडी के विधान पार्षद आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। ये विधान पार्षद हैं राधाचरण सेठ, दिलीप राय, कमरे आलम, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, और ये पांचों विधानसभा पार्षद आज आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में आ चुके हैं। लेकिन आरजेडी को इन पांचों के अलावा सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका पार्टी को खड़े करने में बड़ा योगदान रहा। जब लालू प्रसाद यादव ने लालटेन जलाने की शुरुआत की तो सबसे आगे उनके साथ रघुवंश प्रसाद सिंह नजर आ रहे थे। लेकिन राजनीति में सब कुछ लंबे समय तक नहीं टिकता। लोजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह के आरजेडी ज्वाइन करने की बात कही जा रही थी और इसी से रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ये चर्चा है कि रामा सिंह 29 जून को आरजेडी ज्वाइन करें और इसी बात से आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज थे। हाल ही में कुछ दिनों पहले रघुवंश प्रसाद सिंह ने पिछले महीने 28 मई को एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराध का खेल चल रहा है, राज्य में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। बीते 16 जून को जेडीयू के पूर्व एमएलसी जावेद इकबाल अंसारी ने जेडीयू ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद जेडीयू के पूर्व विधायक राम नरेश सिंह की बेटी शगुन सिंह ने भी जेडीयू का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया था। इसके साथ ही पूर्व एडीजी अशोक गुप्ता को भी आरजेडी का साथ भाया था। इन सब के आरजेडी ज्वाइन करने के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि लोगों को अब आरजेडी में अपना भविष्य नजर आने लगा है, इसीलिए लोग आरजेडी को इस तरह सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि लालू यादव ने गरीबी का उत्थान किया, इसलिए लोग जानते हैं कि आरजेडी में वो सुरक्षित है। हालांकि मंगलवार को जिस तरह से एक साथ 5 विधान परिषद ने आरजेडी को छोड़ जेडीयू ज्वाइन कर लिया, ये तेजस्वी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्टी पद से इस्तीफा दे देना क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि पार्टी में पुराने नेताओं को तेजस्वी यादव के पार्टी चलाने पर संशय है, या तेजस्वी यादव जिस तरीके से नए लोगों को पार्टी में लेकर आ रहे हैं क्या उससे पार्टी के पुराने ऐसे नेता पार्टी को खड़े करने में सबसे आगे रहे वो नाराज है, ये सवाल तेजस्वी यादव के सामने है। लेकिन आज जिस तरीके से घटनाक्रम बिहार की राजनीति में बदला है, ऐसे में बिहार की राजनीति और गर्मा गई है क्योंकि विधान परिषद के चुनाव के बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं जिसके लिए आरजेडी अभी से कमर कस चुकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या प्रदेश में लालटेन जल पाती है या नहीं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।